उतना चैलेंजिंग लग नहीं रहा था, तो क्योंकि ज़्यादा सोचा नहीं था मैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया एक कृषि एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर दो दो लोगों का जो बीच में जो संघर्ष होता है वो रख के चालू किया था मैं ये कहानी। सो लेटर लेयर बाई लेयर में डेवलप करके जा रहा था। उस समय मुझे समझ में आया कि ये प्रकृति और मनुष्य का बीच का जो संघर्ष है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। सो बहुत कम समय था क्योंकि मुझे तीन सीजन में भी शूट करना था, एक रेनी सीजन और विंटर समर। सो अगर मैं ज़्यादा प्री प्रोडक्शन और प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लिया तो एक साल और वेट करना चाहिए था। सो इसलिए हम लोग सिर्फ 4 महीने लिए और पूरे लिखे और पैरेलली प्री प्रोडक्शन प्रिपरेशन और मेरा भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होना ज़रूरी था। ये सब करके सितंबर को हम शूट करते, लेकिन 96 डेज शूट किए, लेकिन एक दिन भी ये मुश्किल है, ये मतलब डिफ़िकल्ट है, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ये सब सोचा नहीं थे हम लोग। सो बाद में अभी सिनेमा रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने चैलेंजिंग थे आप जैसे। अभी सोचा तो ये फिल्म मेकिंग जैसा नहीं किया हम लोग, एक वार जैसे किए। सो बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं और मेरा फैमिली वही जो दैव मानते हैं वो हम लोग वो रिचुअल करने वाले हैं। सो आई बिलीव इन दैट गॉड। सो वो शक्ति को मानता हूँ मैं। सो वो एक मैं वो जो दैव था उसको मैं सरेंडर करके चालू किया था। उसके बाद वो मैं पहला क्या स्टेटमेंट था वो सही है, मतलब सिर्फ 4 विजुअल्स थे मेरे दिमाग में जो ऐसा ऐसा शूट करना है, ऐसा एग्जीक्यूट करना है। और स्क्रिप्ट में भी एक लाइन लिखे थे हम लोग। जो पहला शॉट दिया था मैं उस समय तो पूरे सेट में एक 5-10 मिनट का साइलेंस था, जो जो थिएटर में जो गूज़बम्प्स के बारे में बात कर रहे लोग वही सिचुएशन उधर पहली शॉट में हुआ था। सो शायद वो मतलब उसके आगे तो फ्लो था, जो दैव का जो कोला रहता है तो उस समय जो म्यूज़िक प्ले करते हैं एक फोकलोर, वो फोक म्यूज़िक को हम हर शॉट को प्ले करके करके कर रहे थे। सो इनिशियली एक टेक दो टेक ऐसा हो रहा था, लेकिन 3 दिन शूट किए हम लोगों ने। इट्स ऑलमोस्ट 3rd डे आई स्टार्टेड ट्रेनिंग आउट, मतलब ज़्यादा सफोकेट हो रहा था। ये सिर्फ इतना पता है मुझे, और ज़्यादा मैं मतलब वो एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस ही रहना चाहता हूँ मैं, पास नहीं है। वो एक स्टेटमेंट भी है, एक इमोशंस भी है, एक भगवान का ब्लेसिंग भी है। वो आवाज़ हमारा जो दैव कोला में बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सो वो एक वर्डिंग जैसा भी ले लेते हैं, जो जो वो आवाज़ का जो सीक्वेंस था वो पुड़ीगा दैव बोलते हैं, वो सीक्वेंस के बाद भी एक गाना आता है वरा रूपम, उसमें भी वो आवाज़ है, लेकिन उधर से इधर बहुत डिफरेंसेस है। तो वो जो एक्सप्रेस करता है दैट इज़ द वे एक एक वो जो नेचर का अंदर का जो शक्ति मानते हैं ना हम लोग, वो स्पिरिट एक आदमी के अंदर आके एक टाइप का एक स्टेटमेंट देना और एक बात बताना, एक ब्लेसिंग देना, और सबको एक समाज में जो सब लोगों को मतलब एक इक्वालिटी जैसा, एक किशोर और गांव वाले लोग रहते हैं और बीच में दैव रहता है, वो सब सीक्वेंस एक प्रॉपर मेरा थीम था। वो ये करने में मैं बहुत बचपन से ये सब दैव गोला कैसे करते हैं और क्या 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 होता है ये सब देख के आया था। सो उसके साथ ही ये फिल्म मैं लिखने के बाद कम से कम हजारों वीडियोस देख रहा था और रियल कोला में भी जाके देख रहा था। सो उधर क्या करते हैं वो मुझे एक्सप्लोर करना था। सो लेकिन वो सिर्फ अनैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो एक कम्युनिटी वो करते हैं जो दैव कोला करते हैं वो लोगों को साथ में रख के उन लोगों का गाइडेंस लेके मैं पूरे सीक्वेंस किया था। ऐसा ही है ये। सो हम सोचे नहीं थे कि ये इतना बड़ा हिट होगा, लोग इतने पसंद करते हैं करके, लेकिन जो मेरा आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, वो मैं मेरा बिलीव था कि एक यूनिवर्सली ये लोग कनेक्ट होता है, क्योंकि जो जो भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन हमारा जो रिचुअल्स है इसके ऊपर जो किधर का भी आप कहानी मतलब दिखाओ ये, लेकिन ये कोस्टल कर्नाटक का है दैव कोला, लेकिन सारे इंडिया में हर गांव में ऐसा ही कुछ अलग अलग तरीके से रहने वाला मतलब एक रिचुअल्स रहेगा, बिलीफ सिस्टम रहेगा, ये सब कृषि से जुड़ा हुआ है। सो ये मुझे स्ट्रांगली बिलीव था कि ये लोगों को पसंद आएगा, लोगों को कनेक्ट होता है करके, लेकिन इतना जो बड़ा हिट मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि हम भगवान को
पूजा करते हैं वो फिल्मों में लेके आया, तो वो उसमें ये बिलीफ का जो ऑपोजिट और ऑपोजिट का रिएक्शन रहेगा, जो वो हम कन्नड़ा में मूढ़ नंबिके बोलते हैं इंग्लिश लेवल में, सुपरस्टिशियन। सो ये सब हमारा जो बिलीफ है, तो पूरे भारत का जो मतलब बिलीफ सिस्टम है, हम भगवान को कैसे मानते हैं, वो सब हमारा लाइफ वे ऑफ लाइफ है। वो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये रूटेड रीजनल ये फोकलोर और ऐसा कुछ हमारा जो ट्रेडिशन बताने वाला कहानी को लेके आके प्रेजेंट करना है, वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था मैं और आगे भी करूँगा मैं, मुझे उसमें डाउट नहीं है। तो हमारा फोकलोर क्या है ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। सो वो ट्राई किया था और आगे भी ट्राई करके रहूँगा। हम लोग 100% सब लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो 1% लोगों को भी उसमें जो क्वेश्चंस रहेगा, तो वो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करता हूँ। तो ये फिल्म, हर फिल्म के बारे में चर्चा होना चाहिए, वो चर्चा है तो फिल्म इफेक्टिवली रीच हुआ है करके मैं सोचता हूँ। सो ज़्यादा ये नहीं लेता हूँ। जो जो भारतीय संस्कृति और हमारा ट्रेडिशन जो है, ये जो रूटेड कहानी हम बोलते हैं, ज़्यादा फिल्म मेकर्स इस पे ज़्यादा एक्सप्लोर कर किया तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारा मतलब हमारा ट्रेडिशन क्या है, ये इस जनरेशन को पता लगना चाहिए, तो इसके ऊपर काम करने का ज़्यादा मेरा भी मन है। वो दूसरे फिल्म मेकर भी वो ट्राई करना किया तो अच्छा रहेगा। बी कॉन्फिडेंट, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो उस पर आपका मतलब सब कुछ डाल के काम करो, तो एक दिन सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा। वो अभी हम लोग मतलब कनाडा के आगे दूसरे स्टेट और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया को अभी अभी देख रहे लोग कांतारा के रूप से, और ये सब अभी क्या हो रहा है। लेकिन मैं इंडस्ट्री आके कम से कम 20 साल हो गया, 18 प्लस ईयर्स, तो अभी हमारा काम लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसे जो पीछे जो क्या क्या एफर्ट डाला है, तो वो शायद वो सब एफर्ट के हिसाब से अभी ये सब रिकग्निशन मिल रहा है। तो बी कॉन्फिडेंट, आप अपना काम पे ध्यान रख के काम किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर मी, मैं 2 महीने के पहले एक वर्कशॉप किया था सिनेमा के लिए, फॉर द कैरेक्टर, फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीला। सो मुझे एक आइडिया था कि वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करते हैं और उसका इमोशंस क्या है। So it became very easy on the sets when we went for the shooting because of the workshop, and any improvisation jo hum set mein karte the wo sab kuch kyunki workshop mein itna it worked on the character, it started become easier. But I was on the hum 96 days shooting kiye the cinema ke liye, aur main almost 60 days set par thi main। सो मैं वही लोगों से वही बातें करती थी और